सनसनी ऑफ इंडिया। क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की टीम ने क्राइम सीन से 40 किलोमीटर के दायरे में लगे 300 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर ब्लाइंड लूट के केस को सुलझाते हुए हाईवे लुटेरों के एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो ओला में टैक्सी चलाते थे और मौका मिलते ही टैक्सी पर फेक नंबर प्लेट लगाकर आनंद विहार बस अड्डे पर बाहर से आने वाले यात्रियों को टैक्सी में बैठाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। लुटेरों की पहचान मेरठ निवासी 32 वर्षीय महबूब व गाजियाबाद निवासी 39 वर्षीय गुलजार उर्फ गुल्लू उर्फ मामा के रूप में हुई है। गैंग का सदस्य महबूब आदतन हाईवे लुटेरा है। महबूब डकैती के एक मामले में वर्ष 2019 से जेल में बंद था। जून 2022 में जेल से बाहर आते ही गैंग बनाकर फिर से हाईवे पर डकैती करनी शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि दिनांक 14 जुलाई 2022 को उत्तराखंड निवासी 24 वर्षीय रोहित सिंह ने थाना पटपरगंज औद्योगिक क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई कि वो 4:30 के आसपास अपने गांव बागेश्वर उत्तराखंड से आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचा था और गुरुग्राम जाने के लिए ईडीएम माल के फुटओवर ब्रिज के पास खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। तभी DL1Z से नंबर शुरू होने वाली एक स्विफ्ट डिजायर आकर रुकी और ड्राइवर ने गुरुगांव की आवाज लगाई तो मैं भी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठ गया जिसमें पहले से ही 4 सवारियां बैठी हुई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद पीछे बैठी 2 सवारियों ने अपने बीच में बैठा लिया और पीछे बैठी दोनों सवारियों व ड्राइवर के बगल में बैठी सवारी ने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी, मारपीट करके 8,000 रुपए नकद और अन्य सामान लूट लिया। इसके बाद मेरे फोन से मेरे जीजा को फोन करके 15,000 रुपए मेरे खाते में मंगवाए, गाड़ी चलाते हुए ग्रेटर नोएडा की तरफ ले गए। मेरा एटीएम कार्ड और पिन नंबर लेकर रास्ते में एटीएम से मेरे खाते से 8,500 रुपए और निकाल लिए। उसके बाद सुबह 7 बजे के आसपास मेरा फोन मुझे लौटाकर 4 मूर्ति ग्रेटर नोएडा में टैक्सी से नीचे फेंक दिया और फरार हो गए, जिसकी मेरे जीजा खुशहाल ने 112 पर कॉल करके पुलिस को जानकारी दी। पीड़ित की शिकायत पर थाना पटपरगंज औद्योगिक क्षेत्र में FIR संख्या 476/22 धारा 392/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। सवारी बनकर टैक्सी में बैठाकर हाईवे पर हुई लूट की वारदात ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी थी। बेहद गंभीर मामला होने के चलते रोहित मीणा DCP क्राइम ने बदमाशों को दबोचने के लिए अरविंद कुमार ACP क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की सुपरविजन व इंस्पेक्टर अरुण सिंधु एवं इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार शर्मा के नेतृत्व में SI रविंदर कनपाल, विक्रांत चैधरी, रविंदर भाटी, श्याम सिंह, ASI शशिकांत यादव, प्रमोद, हेड कांस्टेबल कुलदीप, अरविंद, गौरव त्यागी, कपिल राज, नरेंद्र, मनोज, अनुज, जितेंद्र और देवेंद्र की एक टीम का गठन किया। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु व कुलदीप कुमार शर्मा की टीम के सामने सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों की पहचान करना था। पीड़ित टैक्सी का पूरा नंबर नोट नहीं कर पाया था। पीड़ित को बस इतना पता था कि टैक्सी का नंबर DL1Z से शुरू होता है और गाड़ी स्विफ्ट डिजायर थी। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु व कुलदीप कुमार शर्मा ने क्राइम सीन के आसपास के CCTV फुटेज इस उम्मीद से खंगाले कि शायद किसी फुटेज में गाड़ी का पूरा नंबर मिल जाए, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ भी क्लियर नहीं मिला। टीम ने आनंद विहार बस अड्डे के आसपास सवारी ढोने वाली DL1Z नंबर से शुरू होने वाली स्विफ्ट डिजायर गाड़ियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। साथ ही पीड़ित को पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद सेम मोडस ऑपरेंडी से वारदातों को अंजाम देने वाले सस्पेक्ट अपराधियों के फोटो दिखाए, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। टीम ने ग्रेटर नोएडा के उस ATM के CCTV फुटेज को भी खंगाला जहां से बदमाशों ने पीड़ित के डेबिट कार्ड से पैसे निकाले थे, किंतु अपराधी इतने शातिर थे कि डेबिट कार्ड से पैसे निकालते समय अपने पूरे चेहरे को ढककर ATM मशीन में घुसे थे। पूरा चेहरा ढका होने की वजह से आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु ने पीड़ित के बयान पर अपराधियों द्वारा टैक्सी में बैठाकर ले जाने वाले रूट को तैयार किया और क्राइम सीन से लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में उस रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स, मल्टीपल टर्न्स, मकानों, दुकानों, बस स्टॉप और रेड लाइट पर लगे 200 से भी अधिक CCTV फुटेजों को खंगाला। कैमरे खंगालते खंगालते टीम की आंखें सूज गई। फिर भी टीम लगी रही कि अपराधियों को हर हाल में दबोचना है। अपराधियों के भागने वाले रूट के CCTV फुटेज खंगालने पर टीम को सस्पेक्ट स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का पूरा नंबर मिल गया। सस्पेक्ट गाड़ी का पूरा नंबर DL1ZB1535 था। सस्पेक्ट गाड़ी का पूरा नंबर मिलते ही इंस्पेक्टर अरुण सिंधु की टीम को लगा कि अब तो मामला क्रैक हो ही गया। टीम ने तुरंत गाड़ी नंबर से मालिक का पता निकालकर छापेमारी की तो मौके पर DL1ZB1535 नंबर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी खड़ी मिल गई। लेकिन मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। जांच में पता चला कि सस्पेक्ट नंबर वाली गाड़ी तो कई दिनों से यहीं खड़ी है और वारदात वाले दिन भी यहीं खड़ी थी। टीम उलझन में फंस गई कि सेम नंबर की गाड़ी एक समय में दो जगह कैसे हो सकती है।
इंस्पेक्टर अरुण सिंधु ने अंदाजा लगाया कि या तो यह मालिक झूठ बोल रहा है या फिर इस नंबर की फेक नंबर प्लेट लगाकर अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर अरुण सिंधु के दिमाग में एक सवाल बार बार गूंज रहा था कि अपराधियों ने इसी नंबर की ही फेक नंबर प्लेट क्यों बनाई। अपराधी किसी और गाड़ी का नंबर भी इस्तेमाल कर सकते थे। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु को पूरा शक था कि इस गाड़ी नंबर से अपराधियों का कोई न कोई कनेक्शन जरूर निकलेगा। गाड़ी मालिक ने पूछताछ में टीम को बताया कि उसकी गाड़ी DL1JB1535 नंबर स्विफ्ट डिजायर को पहले एक ड्राइवर चलाता था, किंतु उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी खरीद ली, तब से मेरी गाड़ी घर पर ही खड़ी है। इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार शर्मा ने ड्राइवर की कुंडली खंगाली तो बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। ड्राइवर की फोटो पीड़ित को दिखाई तो पता चला कि वारदात को अंजाम देने में यह ड्राइवर भी शामिल था। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु का शक सही निकला। अपराधी की पहचान होने के बाद टीम के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पूरे गैंग को दबोचने की थी, क्योंकि किंतु टीम के पास न तो बदमाशों का कोई मोबाइल नंबर था, न ही यह पता था कि आरोपी रह कहां रहे हैं। लेकिन गाड़ी मालिक इस बात के लिए जरूर श्योर था कि सस्पेक्ट ड्राइवर नाम मेहराज है और गाजियाबाद इलाके में ही कहीं रहता है। गाजियाबाद जैसे घनी आबादी भरे इलाके से एक फोटो दिखाकर आरोपी को खोजना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर की टीम पीछे नहीं हटी और गाजियाबाद इलाके में मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। लेकिन मुखबिरों को एक्टिव करने के बाद भी टीम के हाथ कुछ न लगा। अब गैंग को दबोचने के लिए अरविंद कुमार ACP क्राइम ब्रांच एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल शकरपुर ने दूसरा रास्ता अपनाया। ACP अरविंद कुमार ने अब टीम को खबरियों पर निर्भर रहने के लिए मना कर दिया। बदमाशों को दबोचने के लिए ACP अरविंद कुमार के सुझाव पर इंस्पेक्टर अरुण सिंधु ने गाजियाबाद इलाके में हर घर, दुकान, ऑफिस, पार्किंग, टैक्सी स्टैंड व धार्मिक स्थलों पर आरोपी की फोटो दिखाकर खोजने की रणनीति बनाई। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु यह अच्छी तरह जानते थे कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के डिवीजन और सब डिवीजन होते हैं, जिन्हें आगे बीट में बांटा जाता है। एक कांस्टेबल को एक बीट मिलती है और कांस्टेबल की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने इलाके के हर एक इंसान की पूरी जानकारी रखे। इंस्पेक्टर अरुण सिंधु ने गाजियाबाद इलाके के चप्पे चप्पे को छानने के लिए बीट कांस्टेबलों की मदद ली। टीम ने मात्र नाम और फोटो दिखाकर इलाके में आरोपी को खोजने का बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया। टीम की मेहनत रंग लाई और तलाशी के दौरान संदिग्ध को मधुबन बापूधाम गाजियाबाद में किराए के एक घर से दबोच लिया। संदिग्ध की पहचान मेरठ निवासी 32 वर्षीय मेहराज पुत्र महबूब के रूप में हुई। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हाईवे पर लूटपाट करने की बात कबूल कर ली। आरोपी की निशानदेही पर दिनांक 16 जुलाई 2022 को मेरठ से महबूब और सोहेल व गाजियाबाद से गुलजार उर्फ गुल्लू उर्फ मामा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी मेहराज ने खुलासा किया कि वो ओला में किराए की टैक्सी चलाता है। शॉर्टकट रास्ते से जल्दी और मोटा पैसा कमाने के लालच में वो अपने साथियों के साथ तड़के यात्रियों को लूटता था। उसके पास UP 14JT 5289 नंबर की अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जो कि ओला में लगा रखी है, लेकिन पहले वो DL1JB 1535 नंबर की गाड़ी चलाता था। कुछ समय बाद उसने अपनी खुद की गाड़ी ले ली और पहले वाली गाड़ी मालिक को वापस कर दी, लेकिन उस गाड़ी के नंबर की फेक नंबर प्लेट बनवाकर अपने पास रख ली और वारदात को अंजाम देते समय उसी फेक नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपने दो और सहयोगियों के साथ मिलकर पिछले एक महीने में सेम मोडस ऑपरेंडी से सोहराब गेट बस डिपो मेरठ, साहिबाबाद और आनंद विहार बस टर्मिनल के पास 3 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की। 32 वर्षीय आरोपी मेहराज पुत्र महबूब माता वाली गली फतेहुल्लापुर थाना लिजदी गेट मेरठ यूपी का रहने वाला है और वर्तमान में मधुबन बापूधाम गाजियाबाद यूपी में अपने परिवार के साथ रह रहा है। यह पेशे से टैक्सी ड्राइवर है और पंजीकृत ओला चालक है। यह एक आदतन हाईवे लुटेरा है। यह सेम मोडस ऑपरेंडी से IGI हवाई अड्डे पर कनाडाई पायलट के साथ लूट के एक मामले में वर्ष 2019 से तिहाड़ जेल में बंद था। जून 2022 में जेल से रिहा हुआ। जेल से छूटने के बाद इसने फिर से अपने साथियों के साथ मिलकर हाईवे डकैती करना शुरू कर दिया। इसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। दूसरा आरोपी पैसे से प्लंबर गाजियाबाद निवासी 39 वर्षीय गुलजार उर्फ गुल्लू उर्फ मामा पुत्र अब्बास पहले भी डकैती के एक मामले में हरियाणा जेल में बंद रह चुका है। यह मेहराज का दोस्त है और मौजूदा केस को अंजाम देने के लिए उससे जुड़ा है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर।
और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।